काउंसलिंग वाली बात करेंगे हम। आप ये इसको मैंने डाला है वहां पे कि आईएमसी का होम मीटिंग कैसे होता है, तो हमारे बीच में सबका इंट्रोडक्शन हो गया है, तो हमारे बारे में भी बानना है भाई, हमने तुम्हारे में जानते ही है, लेकिन फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन होना मांगता है, इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो पहले हम अपने बारे में बताएंगे, फिर हम आईएमसी के बारे में बताएंगे, आईएमसी करना कैसे इसके बारे में बताएंगे, आईएमसी करके आपको मिलेगा क्या हम इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आईएमसी नाम देखिए हर आदमी जानता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने से हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? भाई सबको पता है कि दूध पीने से बॉडी बिल्डर बना जा सकता है, लेकिन कितने लोग पी रहे हैं? तो ज्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं है। तो हम आपसे बात करेंगे आज, आज आज हमारा चूंकि बुधवार सेशन है, और बुधवार यानी आज बुधवार है, और दिन में 1 बजे यानी मैं इसमें लाइव में हूँ, और डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप सभी का स्वागत है, और हम आपका वेलकम करते हैं, और आप सब लकी हैं कि आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये आसाम की धरती एक ऐसा जगह जिस जगह का नाम है मुरियानी, है ना, डिस्ट्रिक्ट जोरहाट, और मैं मुरियानी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और एक ऐसे परिवार ऐसे फैमिली में मौजूद हूँ कि जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, वहाँ पे हमारी चल रही है होम मीटिंग, और इस तरह की बहुत सारी होम मीटिंग सुबह से हो चुकी है, और अभी एक मीटिंग जो अभी एक समय मिल गया कि आज पूरा भारत इसको देखे, तो यहाँ के जो लोग हैं सभी एक्साइटेड रहेंगे, और हमारे जो आईएमसी के जो लीडर्स हैं, जो एसोसिएट हैं, पूरी ईमानदारी से अभी अगले का 30 मिनट का सेशन आपको देखेंगे, हो सकता है 30 मिनट के सेशन में कुछ बातें समझ में आपको आ जाए, समझ में आ गया तो बेस्ट, नहीं तो हम नेक्स्ट हम लोगों से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, बहुत सारे लोग नए लोग आ जाते हैं हमारे बारे में जानकर, मेरा नाम डीएन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के धरती से हूँ। आईएमसी बिजनेस में आने से पहले मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था, एक बल्ब व्यवसाय का मालिक था, मेरा बल्ब का कारोबार था, बल्ब समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब का मेरा काम था, और उस बल्ब का अच्छा काम था, लेकिन अगर उससे पहले की अगर मैं बात करूं बल्ब के काम से पहले, तो मैं एक ऐसे पुअर फैमिली से बिलोंग करता था जहां पे घर में पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, जिलेबी खाने को तरसता था, और बहुत दिक्कतें थी, पैसा हमें तड़पाता बहुत था, पैसा हमें रुलाता था, पैसा हमें ना हमें सोने देता था, ना पैसा हमें रोने देता था, पैसे को लेकर के घर में बहुत दिक्कतें थी। मैंने 12 वर्ष की उम्र में मैंने डिसीजन लिया कि हम पैसा कमाएंगे, लेकिन बड़ा होकर नहीं, इसी उम्र में, और 12 वर्ष की उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैंने फुटपाथ पे मैंने चप्पलें बेची, मैंने चश्मे बेचे, मैंने स्टिकर बेचे, मैंने कैसेट बेचे, कई तरह के मैंने काम किए, पढ़ाई भी करता रहा, पढ़ाई करते करते उस समय हमारी एक जॉब भी मिली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो नौकरी थी वो मेरी उसमें कोई काबिलियत नहीं थी, वो एक नेताजी का बहुत एक कृपा थी, बहुत मेहरबानी थी, उन्होंने मुझे रेल में झोंक दिया, और जब रेल में मैं गया, जब जॉब मैंने देखा, तो उस समय मैं बल्ब का सेल्समैन ही कर रहा था, और बल्ब की सेल्समैन ही करने से जो मुझे इनकम आ रही थी वो नौकरी करके वो हमें मिलने वाला नहीं था, और मैंने उस जॉब को नज़रअंदाज किया, और मेरे दिमाग में आया कि अगर हम जॉब करेंगे तो हमारी सिर्फ ज़रूरतें पूरी होगी, पूरे भारतवर्ष में हर नौकरी करने वाले की ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होते, और मैंने बल्ब की सेल्समैन ही किया, बल्ब की सेल्समैन से मैं बल्ब का डीलर बना, बल्ब का मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर से मैं सीएनए बना, पूरे प्रदेश में उस समय उत्तराखंड नहीं बटा हुआ था, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, और पूरे 78 जिले में हमारे 78 डिस्ट्रीब्यूटर थे, हर जिले से हमारी लाखों रुपए की टर्नओवर हो रहा था, और इसकी वजह से हमारा व्यापार बहुत अच्छा चला। एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, जो टंकी हिला हिला करके देखने वाला व्यक्ति, जो कभी 50 रुपए की बाइक में तेल डालने के लिए मोहताज था, वो इंसान काम करने की वजह से करोड़पति बन गया। हेलो हेलो काम करने की वजह से करोड़पति बन गया, यानी एक व्यक्ति जो फर्श पे था वो अर्थ पे पहुंच गया, और ये काम करने की वजह से। तो दुनिया में अगर आपकी स्थिति तभी बदलती है जब आप काम करते हो, जब तक आप काम नहीं करोगे आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन हम कितना काम करेंगे कि हमारी स्थिति बदलेगी, तो वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको समझना है। आज आपके बीच में मैं मौजूद हूँ एक ऐसे व्यवसाय में मौजूद हूँ जहाँ पे कोई भी व्यक्ति शामिल होकर के अपने हालात को अपनी स्थिति को बदल सकता है, अपनी स्थिति को अपने हालात को बदल सकता है। और आज से जब 9 साल पहले मैंने इस सेक्टर को अपनाया, आईएमसी यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैंने अपनाया, आईएमसी ये जो ब्रांड जो देख रहे हैं आईएमसी ऐसे तो कहा जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, लेकिन अगर इसकी बात किया जाए कि अगर ये आदमी दिन भर बोलता रहे और जिस दिन ईश्वर ने अगर तथास्तु बोल दिया मौका देख करके, तो आईएम करोड़पति भी बन सकते हैं। और फ्रेंड आप, मैंने इसमें
15 अगस्त 2014 को मैं आईएमसी में शामिल हुआ, मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम क्या करना होता है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, काम करना होता है, प्रोडक्ट को यूज करके लोगों से बातें करनी होती है। मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने लोगों से बातें की। बात क्या करना है, आज हर इंसान प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, हर आदमी कहीं ना कहीं वो मंजन यूज कर रहा है, वो साबुन यूज कर रहा है, मसाले यूज कर रहा है, करता नहीं करता तो हर आदमी प्रोडक्ट यूज कर रहा है। बस यहाँ पे ब्रांड बदलने की जरूरत थी और हमने आईएमसी ब्रांड का दामन थामा, और आईएमसी ब्रांड का मैंने दामन थामा। जब मुझे पता चला कि ये ब्रांड हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, बस शर्त यह है कि इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी, तो मुझे क्या करना चाहिए था भाई? बताते तो हम वैसे भी हैं, बताते तो हम वैसे भी हैं कि अगर हम कोई चीज बाजार से खरीद के लाए हैं, किसी ने पूछा कि ये सामान कहां से लाए, तो दुकान के बारे में बताते नहीं बताते हैं? क्या हमें उसके बदले में कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। और यहां पे बताने से हमें हमारी स्थिति बदलती है, हमें रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है, और हमने बताना स्टार्ट किया। जब बताना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं पैसे की बात नहीं करूंगा, मेरे छोटे छोटे लेवल बदले, शुरुआत हुई, सुपरस्टार बना, सुपरस्टार से मैं सिल्वर बना, सिल्वर से मैं गोल्ड बना, गोल्ड से मैं रूबी बना, रूबी से मैं डायमंड बना, डायमंड से मैं चेयरमैन बना, चेयरमैन से मैं एम्बेसडर बना, एम्बेसडर से अगर मैं बात करूं तो सीधा क्राउन प्रेसिडेंट बना। और ये क्राउन प्रेसिडेंट बनने में मुझे 3 वर्ष लगे। हेलो, 3 वर्ष लगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में, भारत के अंदर सबसे कम समय में रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट, जो 36 महीने का मैंने सफर तय किया और क्राउन प्रेसिडेंट में बना। कितने महीने में जी? 36 महीने में। और अगर मैं बात करूं कि क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंचने के बाद सालाना करोड़ों रुपए की इनकम, मैं कंपनी के उस लिस्ट में मेरा नाम है जहां पे बोला जाता है करोड़पति लिस्ट, सालाना करोड़ों की इनकम आईएमसी की वजह से मिलती है, जिसकी वजह से मैं अपने शहर का एक अच्छा टैक्स पेयर हूं, एक अच्छा टैक्स फाइल करता हूं। और स्थितियां बदली आज आईएमसी की वजह से, आज मेरे पास मेरी जो जिंदगी है वो ऐसे बदली है, जिंदगी ऐसे बदली है कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी ख्वाब देखते रह जाते हैं। ये मात्र 3 वर्ष में बदली, और आज आईएमसी करते हुए मुझे 9 वर्ष हुए हैं। इसी बीच में मेरी जब लाइफ बदली, मेरा लाइफ चेंज हुआ, तो मैंने भी निर्णय लिया कि हमें भी अपने जैसा बहुत सारे लोगों को तैयार करना है, क्योंकि एक डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर किसी को इंजीनियर नहीं बना सकता, एक व्यापारी किसी को अच्छा व्यापार नहीं सिखा सकता, एक वकील किसी को वकील नहीं बना सकता, उसकी पूरी काबिलियत धरी के धरी रह जाती है, लेकिन एक आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट अपने जैसा सैकड़ों क्राउन प्रेसिडेंट बना सकता है। आज हमारे नेटवर्क के अंदर पूरे भारतवर्ष में आज हजारों लोग ऐसे हैं कि महीने की 8,000 से लेकर के 8,00,000 रुपया महीना पाने वाले लोग आईएमसी में हैं। और एक सज्जन तो यहीं पे मौजूद है, जोरदार तालियां सुनील शर्मा जी। जब हमारी सुनील शर्मा जी से पहली बार मुलाकात हुई, इतना अच्छा एनवायरमेंट नहीं था, लेकिन उनकी ग्रह दशा सही थी, उनकी जो उस वक्त जब वो 9,000 रुपए की जब एमआर की नौकरी कर रहे थे, जब हमारी उनकी जब ट्रेन में मुलाकात हुई, अब मैंने जब आईएमसी की चर्चा की, जबकि उस समय मेरी भी इनकम ज्यादा नहीं थी, मैं 32,000 के पे आउट पे था, मेरा गोल्ड स्टार का लेवल था, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, जब मैंने उनको आईएमसी के बारे में मैंने जब बताया, तो उन्होंने अगले 10 मिनट तक हमारी बात को हल्के में ले रहे थे, लेकिन का उम्र कम होने की वजह से, हमारी उम्र ज्यादा होने की वजह से मैंने अपना इनके ऊपर प्रेशर बनाया। मैंने कहा बेटा हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जमाने में लोग बात करते हैं, जमाने में बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी हर बात को उन्होंने अगले 15 मिनट में समझा। आईएमसी के बारे में मैंने बताया और आईएमसी की उन्होंने शुरुआत की, और अगले 1 साल बीतते बीतते 1 साल पूरा नहीं हुआ और यही सुमित शर्मा जी 1,00,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गए। 9,000 कमाने वाला व्यक्ति 99,000 की इनकम को इन्होंने क्रॉस कर दिया, तो इनके अंदर का और विश्वास पैदा हुआ। आज पूरे आसाम में ही नहीं, इनका बिजनेस उत्तर प्रदेश में भी है, इनका बिजनेस बिहार में भी है, इनका बिजनेस तमिलनाडु में भी है, इनका बिजनेस केरला में भी है, और आज लगभग 26 स्टेट से कुछ ना कुछ इनको बिजनेस आ रहे हैं, और सालाना करोड़ों का टर्नओवर ये कंपनी को दे रहे हैं, जिसकी इनको रॉयल्टी मिल रही है। आईएमसी करने से सबसे बड़ा फायदा जो हमें मिला, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि हर आदमी शुरुआत में पैसे के लिए आता है, मैं भी पैसे के लिए आया। आईएमसी करने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे मिला, वो मिला कि मैं अपने परिवार का एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति बना, एक ऐसा व्यक्ति बना कि मैं रोल मॉडल बन गया, पत्नी की नजर में अच्छा पति बन गया, फिर अच्छा पापा बन गया, फिर अच्छा चाचा बन गया, अच्छा मौसा बन गया, अच्छा फूफा बन गया, अच्छा जीजा बन गया, और अच्छा साला बन गया, एक अच्छा दोस्त बन गया, एक अच्छा व्यापारी बना, सिर्फ आईएमसी करने की वजह से। आप भी बनना चाहते हैं? आप भी बनना चाहते हैं? एक ऐसा काम कि जहां पे सारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, जो व्यक्ति
यानी शादी में जो मुझे कार्ड नहीं मिलता था, जो आखिरी कार्ड जो बिना लिफाफे के लोग हमारे पास लेके आते थे कि चलो कार्ड बचा है इसको भी इनवाइट कर लो, आज सबसे पहली कार्ड आज हमारे घर आता है कि डीएल सिंह हमारे दरवाजे पे आए। फिर ये आईएमसी की वजह से आज बहुत सारा मान सम्मान, आज यहां तक अगर मैं बात करूं तो आज अपने शहर के अगर आज सांसद और विधायक भी हैं तो वो भी एक बार कोशिश करते हैं कि डीएन सिंह जी से मिला जाए। आज इनके पास लाखों लोगों का नेटवर्क है, आज हमारे पास 5 लाख लोगों का एक्टिव नेटवर्क है। अब ये सब कुछ हो पाया आज हम इसी पे बात करेंगे, चूंकि हमारा लाइव चल रहा है और पूरे भारतवर्ष के लोग आज देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये वीडियो बाद में वायरल भी हो जाएगा, लोग आपको देखेंगे भी, एक बार कैमरा घुमाते रहिए कि होम मीटिंग हम कर रहे हैं। फ्रेंड अभी हम आपसे जो बात करेंगे वो होगा काउंसलिंग का पार्ट, ये रही हमारी इनकम। आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे सिल्वर बैठे हैं, गोल्ड बैठे हैं, रूबी बैठे हैं, डायमंड चेयरमैन और यहाँ तक कि क्राउन प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, यहाँ भी एम्बेसडर स्टार भी बैठे हैं, लाखों रुपए की इनकम लेने वाले भी बैठे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी आईएमसी की शुरुआत नहीं की, नए लोग भी बैठे हैं। अब थोड़ा मैं बात करूंगा आपसे, कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ चीजें मैं पूछता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें क्योंकि लव लाइव बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लाइव बंद करने के बाद हम बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजें मैं पूछता हूँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपसे मैं पूछता हूं कि ये रूम है, ये जो रूम है, जो रूम देख रहे हैं, इस रूम में रहने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, पहले क्या चाहिए हमें कि रूम में रहा जा सकता है? तो आप बोलेंगे बिजली चाहिए, रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक रूम में रहने के लिए, एक छोटा सा रूम है जिस रूम में अगर आप रहना चाहते हो, इसमें टिकना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए? रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या करते हैं रोशनी के लिए? एक बल्ब लगाते हैं, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेते हैं, बल्ब लगाते हैं। और क्या चाहिए इस रूम में रहने के लिए? बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको, क्या चाहिए और क्या चाहिए इस रूम में बोलिए? अरे बैठने तो ऐसे भी लेट जाओगे, और क्या जरूरत है? पंखे की जरूरत है, हवा की जरूरत है कि नहीं? क्या बिना फैन के क्या इस रूम में आप रह सकते हो? भाई सोने के तो आप जमीन में भी सो जाओगे, लेकिन बिना पंखे के आप नहीं रह सकते, पंखा आपको जरूरत है। क्या करते हो उसके लिए? कनेक्शन ले, कनेक्शन है तो आप पंखा लगाते हो कि मेहमान आता है तब पंखा लगाते हो, चलो अब मेहमान आ गया पंखा खरीद के लाओ। यानी आप, हम क्या करते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन, एक रूम में रहने के लिए हम परमानेंट सोल्यूशन निकालते हैं। एक अलग बात है कि अर्धे पर्दे ये सब अलग बात है, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? रोशनी और हवा जरूरी है कि नहीं? इसी प्रकार इस जीवन को चलाने के लिए, ये जो जीवन है इसको चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट चाहिए पैसा। क्या चाहिए जी? पैसा। ये पैसा चाहिए, ये परमानेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको कि पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहां से आएगा? क्या जो काम हम कर रहे हैं, क्या उस काम को करने से परमानेंट पैसा आ सकता है? नहीं आएगा। वो काम ऐसा काम है जो कि हैंडपंप की तरह, जितना चलाया पानी निकला, चलाना बंद तो पानी बंद, जितना चलाएंगे पानी निकलेगा, चलाना बंद तो पानी बंद। अगर हम बगान में पत्ती तोड़ेंगे तो हमें उसकी मजदूरी मिलेगी, गड्ढा खोदेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, दुकान पर बैठेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हम वकालत करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हम इंजीनियरिंग करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। काम बंद पैसा जिंदा है? जिंदा नहीं है? यस यस, जिंदा है ना? काम बंद तो पैसा बंद। अब काम बंद तो पैसा बंद, जरा सोचिए न रहने के बाद परिवार को पैसे की जरूरत है कि नहीं? न रहने के बाद जरूरत है ना? तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग, आईएमसी बिजनेस परमानेंट सॉल्यूशन है। जब हमें पता चला इस काम के बारे में कि परमानेंट सॉल्यूशन है आईएमसी बिजनेस, कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बिना रुपया जमा किए, हेलो ये नारा झूठा है जिसने भी लिखा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, क्या जीवन के साथ जीवन के बाद? ये गलत है। बिना जमा किए जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी एक ऐसा काम कि जिसको करके आप बड़ी रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, तो इसका नाम है आईएमसी बिजनेस। अब थोड़ी मैं बात करूंगा आपसे कि आज आईएमसी ही क्यों, आईएमसी ही क्यों करना चाहिए, मैंने आईएमसी ही क्यों किया जब कुकुरमुत्ते जैसी आज भारत के अंदर कुछ बड़ी कंपनियों को छोड़ करके कुकुरमुत्ते जैसी कंपनी, झोला छाप कंपनी जिसका अपना कोई वजूद नहीं है,
खूंटे जैसी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी जो आज एक कमरे में खोल के बैठ गई है और भारत के भोले भाले लोगों को आज मिसगाइड करने का प्रयास कर रही है, जिसके पास ना तो प्रोडक्ट है, ना तो उनके पास कोई प्लान है, ना तो उनके पास कोई योजना है, ना ही उनके पास पूंजी है, ना कोई कैपिटल है, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इस उम्मीद में कि आज उनके पास कुछ नहीं है, अगर कुछ लोग फंस जाएंगे लालच में तो अपना तो कल्याण हो ही जाएगा। एक ऐसी कंपनी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी भारत में आज भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास कर रही है। और भारत में जितनी भी कंपनियां पैदा होती है, छोटी छोटी कंपनियां जितनी भी जन्म लेती है, वो प्लान दिखाने से पहले वो IMC का नाम लेती है। बिना IMC के नाम लिए अपना कारोबार नहीं बढ़ा सकती, वो डिफरेंस बताती कि IMC से हमारा बेहतर है। हेलो, क्या बताएगी? IMC से हमारा बेहतर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज कई कंपनी के लोगों को मैं देख रहा हूं कि कर तो रहे दूसरी कंपनी में, लेकिन वो IMC के टी शर्ट बिना पहने वो फील्ड में निकल ही नहीं सकते। यहां तक कि वो अपनी DP भी लगाते हैं तो IMC की टी शर्ट पहन के ही लगाते हैं, IMC का कोट ही पहनते हैं, क्योंकि बिना IMC के कोट पैंट पहने उनको कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। अगर उन्होंने कुछ दिन काम भी किया IMC में, कुछ उन्होंने ठगी किया है, कुछ चोरी किया है, बेमानी किया है, लोगों के TD उड़ा है, लोगों के आउटलेट उड़ा है, लोगों का पैसा ठगा, ऐसे कई लोग हैं भारतवर्ष में जिनके ऊपर आज कंपनियों के द्वारा आज FIR कर दिए गए हैं। अब पुलिस उनको तलाश रही है, इसी आसाम में कई लोग हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है। हेलो, ऐसे लोग भी आपके बीच में आ सकते हैं जिन्होंने फ्रॉड किए हैं और उसका FIR अभी कुछ ही समय में फेसबुक पे वायरल होने वाला है और बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी के बाद वीडियो भी आपको मिलने वाला है। तो ऐसे लोग, छोटी छोटी कंपनियां, फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि IMC ही क्यों, जब इतनी छोटी छोटी कंपनियां आ गई है, नई नई कंपनियां आ गई है, तो IMC ही क्यों करके आप क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्योंकि जब मैंने IMC में मैं जब जुड़ा था, उस वक्त हमारी उम्र 42 वर्ष थी। हेलो, कितनी थी? 42। और आज भी 42 है, 9 साल बाद भी। हेलो, आज भी 42 है। इसके पीछे मैं इस तरह क्यों बताना चाह रहा हूं कि इसको समझने की जरूरत है। यहां पे जब देखिए, इंसान, एक कहावत बहुत बड़ी अच्छी है कि जो उम्मीद होती है ना, उम्मीद, जिसके पास उम्मीदें नहीं होती है वो जल्दी बीमार होता है, वो जल्दी बूढ़ा होता है। लेकिन जब उम्मीदें जग जाती है कि नहीं, यहां से तो मिल सकता है। आज यहां पे अगर किसी के पास 50,000 भी आ रहा है तो उसको पता है कि 5 लाख कैसे आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल काम करने वाला व्यक्ति को अगर वो 50,000 कमा रहा है तो 5 लाख कैसे आएगा उसको नहीं पता। यहां पे उम्मीद है। अब IMC ही क्यों? मैंने 42 वर्ष की उम्र में जब IMC को स्टार्ट किया था तो IMC ही क्यों, क्यों IMC किया? भाई आप क्राउन, आप यहां पे किस लिए आए? 10,000 के लिए IMC मत करना, 20 के लिए IMC मत करना, क्योंकि IMC पेट भरने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। IMC का डिजाइन पेटी भरने के लिए हुआ है। यहां से पेट नहीं भरता है। अगर पेट भरना है तो ये कुकुरमुत्ते जैसी कंपनियों में भी झोला लेके सामान बेचेंगे तो 2 पैसा वहां से भी मिल जाएगा। लेकिन IMC इसलिए नहीं है। इसका डिजाइन आदरणीय अशोक भाटिया जी, आदरणीय सत्यन भाटिया जी ने इसका डिजाइन पेट भरने के लिए नहीं किया है। इसी वजह से शुरुआत में हमें बिजनेस को सीखना पड़ता। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर बताता हूं। एक व्यक्ति है जो खुद शराब पीता है और IMC में वा करके, और पहले ही मैनेजर को 20,000 की इनकम आ जाए तो क्या उसकी शराब छूट जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। पाप होगा कि नहीं होगा? यस। तो यहां पे इतना संघर्ष करना पड़ता है उसे कि पहले शराब छूटती है। यस। एक अच्छा इंसान बनता है तब जाकर के यहां पे पैसा बनता है। आपके अंदर की बुराइयों को समाप्त किया जाता है तब यहां पे पैसा बनता है। फ्रेंड, अब IMC ही क्यों, क्यों करना है IMC? मैं इस पे क्लियर करता हूं IMC क्यों करना है। जब 42 वर्ष की उम्र में मैंने जब IMC को सर्च किया था, क्या हम यहां से कामयाब हो सकते हैं, तो मुझे बेहतर क्या लगी थी कि सबसे पहले IMC स्वदेश की कंपनी है। कहां की है? स्वदेशी। 5 खूबियां हमें नजर आई थी जो अभी भारत के अंदर किसी भी कंपनी में ये खूबियां नहीं है, और होगी तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मेरे डायरेक्ट मेरे नंबर पे, गूगल से मेरा नंबर पूछ करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, सर मुझे मिल गया। अभी भारत में एक भी कंपनी नहीं है इस प्रोफाइल की। मैं कुकुरमुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, बोले अरे मैं भी स्वदेशी होंगे मेरे भाई, प्रोफाइल नहीं है आपके पास। तो पहली एक कंपनी स्वदेशी है,
दूसरी अगर मैं बात करूं कि भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेद पे काम करती है, हमारे प्रोडक्टों में आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा होता है, लिखा होता है जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भारत की पहली कंपनी है और अगले 40 साल तक भी पहली ही रहेगी क्योंकि दूसरी कंपनी आई थी। नंबर तीन, आईएमसी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आप में से कई लोग गए होंगे, हरिद्वार गए क्या? कुछ लोग गए, आपने मैन्युफैक्चरिंग देखा होगा, एक बार वीडियो दिखाइए कि आपने वहां पे, आज चूंकि होम मीटिंग है तो आपने देखा होगा कि आईएमसी की मैन्युफैक्चरिंग, आपने वीडियो भी बनाया होगा, तुलसी कैसे बनता है, लोबिया कैसे बनता है, देखा आप लोगों ने? तो देखा है आप लोगों ने। तो फ्रेंड, आईएमसी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये तीन खूबियां एक किसी भी एक कंपनी में नहीं मिलेगी। चौथी खूबी क्या है वो समझने की जरूरत है। चौथी खूबी ये है कि आईएमसी के पास, हेलो हेलो, कोई महिला 30 मिनट आपस में चुप हो जाए पूरे भारतवर्ष में तो गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाएगा और 40 लाख सरकार के द्वारा मिलेगा। 30 मिनट चुप रहना है आपस में, ठीक है जी। और मैं ये ढूंढता रहता हूं कि किसी को 40 लाख दिलवा दिया जाए, गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। 30 मिनट शांत रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड, चौथी खूबी क्या है कि आईएमसी के पास कोई पार्टनरशिप नहीं है। हेलो, कोई पार्टनर नहीं है। आप सबको पता है, एक कमजोर से कमजोर आदमी जिसके पास दिमाग कम भी होगा वो भी जान जाता है कि जहां पे पार्टनरशिप होती है वहां पे फ्यूचर नहीं होता। क्यों सर, मानते इस बात को? क्योंकि कभी ना कभी पार्टनर अलग होगा, चाहे 25 साल में हीरो होंडा अलग हो गया, मारुति सुजुकी अलग हो गई, एक ही बाप के दो बेटे अनिल और मुकेश अंबानी, ये दोनों अलग हो गए। अब जरा सोचिए कि आप बड़ा नेटवर्क बना लीजिए 50,000 लोगों का और कंपनी अलग हो जाए तो आप किधर जाओगे, कहाँ जाओगे? वो तो शोले वाली बात हो गई कि आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, है ना। शोले फिल्म में ना वो असरानी का डायलॉग है, असरानी जी मुझसे मिले थे, मैं जब गाजियाबाद में था तो असरानी जी के साथ हमारे फोटोग्राफ भी है, मैं 3 दिन उनके साथ में रहने का मुझे मौका मिला था, एक फंक्शन में आए थे हमारे फैक्ट्री वाले के घर, उनके 3 दिन तक रुके थे, बड़े अच्छे उनके रिलेशन थे। तो फ्रेंड, यानी पार्टनरशिप वाली कंपनियों का फ्यूचर नहीं होता। तो 42 वर्ष का आदमी 5 साल काम करने के बाद कंपनी अलग हो जाए तो मैं किधर जाता, मैं अब क्या करूं? और ईश्वर ने सबको एक लिमिटेड समय दिया है धरती पे, दिया कि नहीं दिया है? है ना। चलिए, नंबर 5 जो खूबी है आईएमसी के पास, आईएमसी के अलावा और कोई काम नहीं है। ये 5 खूबियों की वजह से हमने आईएमसी को स्टार्ट किया और इन्हीं 5 खूबियों की वजह से हम क्राउन प्रेसिडेंट बने और इन्हीं 5 खूबियों की वजह से आज भारतवर्ष में आज क्राउन प्रेसिडेंट की आज झड़ी लगी हुई है, लाइन लगा हुआ है और आपके बीच में भी एक क्राउन प्रेसिडेंट बैठे हैं। यही 5 खूबियां हैं, ऐसी खूबियों की वजह से आज बहुत सारे आज लोग आईएमसी में टिक करके, अब जरा सोचिएगा, ऐसी सी कंपनी आ गई है जिसके 6-6 पार्टनर है, 12-12 पार्टनर है, और अगर आज आप चले जाइए कोर्ट में टाई बहन करके तो भी बोलेगा कि 2% का पार्टनर आप भी, जो जा रहा है सब पार्टनर। एक व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में, आसाम में भी एक व्यक्ति मिला, उससे जब मैं उसके बारे में बताया कि सर एक व्यक्ति है जो आप आईएमसी के टी शर्ट और कोट पहन करके घूमता है और वो 20% पैसा ब्याज पे लेता है, कहता है 1,00,000 रुपए तुम हमें दो, 20% तुम्हें देंगे, और क्या करता है पहले महीने ब्याज काट लो, 80,000 दे दो, गायब हो जाता है और आज करोड़ों रुपए लेकर के आसाम की धरती से गायब है। तो फ्रेंड, ऐसे लोग, इन खूबियों की वजह से हमने आईएमसी स्टार्ट किया। अब आप ही बताओ कि अगर इतनी खूबियां हैं तो यहां सफल होने की गारंटी है कि नहीं? यस, यही है गारंटी, आईएमसी की यही गारंटी है कि भाई, अब जरा सोचिए, डीएन सिंह आज आईएमसी में फुल टाइमर है। क्या है? फुल टाइमर, यानी हम आईएमसी के लिए जीते और आईएमसी के लिए मरेंगे और आखिरी कतरा भी होगा जनाजे पे तो वो कफन के रूप में आईएमसी ही होगा। हेलो, अब जरा सोचिए कि आईएमसी अगर डीएन सिंह फुल टाइम कर रहे हैं तो डीएन सिंह के नेटवर्क में काम करने वालों का भविष्य है कि नहीं है? भविष्य उज्ज्वल है कि नहीं है? तो फ्रेंड, बस मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि आज हम बहुत दूरी पे नहीं बैठे हैं। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो मैं सेकंड की दूरी पे बैठा हूं, लेकिन हमें ऐसे लोगों की यहां पे तलाश है। मैं आसाम के अंदर ऐसे लोगों को तलाश रहा हूं, ऐसा नहीं कि आसाम में एग्जाम्पल नहीं क्रिएट हुआ, आसाम के अंदर में 100 से ज्यादा आज हमारे चेयरमैन है यहां पे,
सौ से ज्यादा चेयरमैन है, आज बहुत सारे रूपी है, सिल्वर है, डायमंड है, गोल्ड है, आज बहुत बढ़िया व्यवसाय है, आज 80-90 लाख रुपए का बिजनेस वैल्यूम आज आसाम की धरती से क्रिएट होता है, कभी एक एक करोड़ का भी वैल्यूम कभी कभी आता है, 80-90 लाख का बिजनेस वैल्यूम यहां से क्रिएट होता है आसाम की धरती से, बिजनेस वैल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से आज सैकड़ों लोग आज के घरों में पैसे जा रहे हैं, और डीएन सिंह आपके साथ फुल टाइम समय देने को तैयार है, तो क्या मैं भी निश्चित है फ्रेंड, आपसे मैं जो बताना चाहता हूं वो समझिएगा कि मैं फुल टाइम काम समय दे रहा हूं आईएमसी को लेकर, और अभी से मैंने टारगेट किया है कि हर 3 महीने पे मैं आसाम के धरती पे हूं 15 दिन के लिए, मैं हर 3 महीने पे, चूंकि मेरा नेटवर्क बड़ा है और मैं पूरे भारत में घूमता हूं और ऐसे जगहों पे कंपनी हमें भेजती है जहां कुकुरमुत्ते काफी संख्या में पहुंच जा रहे हैं, कंपनी वही मुझको भेजती है उसका इलाज करने के लिए फ्रेंड, तो हर 3 महीने में मैं 15 दिन के लिए मैं समय दूंगा, और हर महीने हमारे सुमित शर्मा जी आपको वक्त देने वाले हैं, हमारे राजचंद्र जी जो अपने शहर के एक अच्छे व्यवसायी हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं, कपड़े का बहुत अच्छा काम है, उसके बाद भी आईएमसी को फुल टाइम करते हैं, उस बिजनेस को नजरअंदाज करके वो लोग वक्त देने वाले हैं, और हमारे बीच के बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति जो मोहन गुप्ता जी हैं, जो आईएमसी में अपना वक्त दे रहे हैं और अपने टीम के लिए सीरियस है, और मैं खुद ही यहाँ पे सर्वे सर्वा मैं आपको वक्त देने को तैयार हूँ, तो आप में से कितने लोग चाहेंगे कि हमें भी कामयाबी लेनी है? Yes. इतने सारे लोग चाहेंगे? Yes. तो कैमरा जरा घुमा दीजिए कि इतने लोग कामयाब होना चाहते हैं, इतने लोग कामयाबी। तो फ्रेंड आपको कुछ मैं मंत्र बताऊंगा, अभी मैं आपको मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को लिए हम जो मंत्र बताएंगे वो हम वीडियो पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी वीडियो चलने दीजिएगा। वो मंत्र क्या है, क्योंकि अगर हम सारा मंत्र वीडियो बता देंगे तो लोग हमारा सेमिनार कहते हैं सर मैंने आपको तो वीडियो ही देख लिया, तो वही तो बताएंगे सेमिनार में, यही तो बात है कि सेमिनार में कुछ और बताते हैं। राजचंद्र जी आज 5 दिन से हमारे साथ है और 5ों दिन में अलग अलग चीज देख रहे हैं, सर आपके पास कितना गोदाम भरा है, हमने कि ये इसलिए भरा है, हर शब्द में एक क्राउन प्रेसिडेंट छुपा हुआ है, हर वर्ड में क्राउन प्रेसिडेंट छुपा हुआ है, और अब तो क्राउन प्रेसिडेंट बनना बहुत आसान हो गया, 9 आदमी की जिंदगी बदल लिए, 9 के सर पे हाथ रखिए, 9 आदमियों के ऊपर हाथ फेर दीजिए और आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, 4 से 5 लाख रुपए महीने की आप इनकम ले सकते हैं, आपको 50 लाख रुपए के लक्ष्य को पार करना नहीं है, जैसे मैंने 50 लाख के टारगेट को मैंने पार किया था और आदरणीय सुमित शर्मा जी ने भी पार किया था, अब तो करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने कहीं बोला कि सुमित शर्मा जी ने बिल वगैरह डाल करके बन गए, अरे मेरे दोस्त सुमित शर्मा जी ने 50 लाख को लक्ष्य को पार किया, 50 लाख बिजनेस वैल्यूम 3 महीना, यानी हो गया ये 1.5 करोड़ बिजनेस वैल्यूम, और 1.5 करोड़ बिजनेस वैल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ मतलब कि 3.5-4.5 करोड़ रुपए का सामान, और 4.5 करोड़ का सामान 3 महीना मेंटेन करने के बाद इस तरह की पीने मिलती है, तो क्या 4.5 करोड़ तो गरीब परिवार में जन्मे थे, उनके घर में तो 4.5 लाख भी नहीं था, तो क्या 4.5 करोड़ रुपया कहां से लाए होंगे, क्या लाए होंगे क्या? नहीं। तो उन्होंने काम किया था, ऐसे लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं, ऐसे लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं जिनका सपना है क्राउन प्रेसिडेंट बनने का, और किसी क्राउन प्रेसिडेंट के बारे में अगर वो गलत बातें करेगा तो ईश्वर कभी भी उसको बड़े लक्ष्य पे पहुंचने नहीं देगा। लेकिन आज क्राउन प्रेसिडेंट बनना बहुत आसान हो गया है, 9 लेगों में 1-1 लाख बिजनेस वैल्यूम अगर आप बनाते हैं, हर लेग में कोई किसी में रूबी, किसी में डायमंड, किसी में चेयरमैन आप तैयार कर देते हैं तो आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो बनना चाहते हैं जी? Yes. बनना चाहते हैं? Yes. तो मैं चाहूंगा सुमित शर्मा जी अब वीडियो को बंद करेंगे, चूंकि 30 मिनट का हमारा सेशन है, और थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूंगा हमारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जहां पे भी हमारा कहीं प्रोग्राम हो और जहां पे भी प्रोग्राम हो रहा है भारतवर्ष में, जहां जहां आपकी टीम है वहां पे अपने लोगों को बैठाए, हमें टीम, हमें अपना ग्रुप, तेरा ग्रुप, मेरा ग्रुप की हमें जरूरत नहीं होती है, हम ओवरऑल आईएमसी के लिए है, हम इस मिशन में काम कर रहे हैं और मिशन में काम करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है, और आज लोगों के घरों में आज लाखों की इनकम जा रही है। तो मेरे दोस्त आज जहां पे भी कहीं मेरा प्रोग्राम है, मेरा पोस्टर नजर आए, मेरा वीडियो कहीं नजर आए, तो लोगों को सबसे अच्छी बात है कि आप वाकई में ईमानदार एसोसिएट है,
तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, हमारे जो पेज है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, आप फेसबुक पे जाकर के इसको सब्सक्राइब करें, और उसके अंदर सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, हमारी खुद की वीडियो है, हमारे कामयाब लोगों की हमारी वीडियो है, हमारे जितने भी चेयरमैन और जितने भी हमारे एम्बेसडर स्टार है, हमारे क्राउन प्रेसिडेंट है, सबकी आज उसमें वीडियो है, सभी का वीडियो देखें और आपको सफलता की गारंटी है। और कहीं पे कंफ्यूजन है और सवाल जवाब अगर बहस करना चाहते हैं तो डीएन सिंह आपके लिए तैयार है। मेरा मोबाइल नंबर फेसबुक पे पड़ा हुआ है। गुड आई एन सिंह।